दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमित कार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पे एक वरना है 2022 मॉडल कार के ऑनर है हमारे साथ। सर से भी आपकी बात कराएंगे जो हमने काम किया। सर मेरे कस्टमर मेरे फॉलोअर को बताओ आप हमारी शॉप से कितनी दूर से आए हुए हैं और आप कैसे आए मेरे से कैसे मिले और काम कैसा लगा सर प्राइसिंग कैसी लगी मेरे फॉलोअर मेरे कस्टमर को सर बताओ। पहले सभी को मेरा नमस्ते भाई। मैं अमित भाई को जानता था इंस्टाग्राम से, मैंने इनको मतलब देखी इनकी वीडियोस, इन्होंने काफ़ी गाड़ी को मॉडिफाइड किए हैं और फिर मैंने इनको फॉलो किया, इनकी मैंने रील्स देखी हैं तो मुझे उसमें मतलब काफ़ी अच्छा काम लगा तो मैंने सोचा भी क्यों ना मैं अपनी गाड़ी भी करवाऊँ। तो आज मैं खुद फिरोजपुर मतलब 400 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ स्पेशली सिर्फ एक मॉडिफाइड करवाने के लिए वरना अपने, और जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। इन्होंने रूफ किए हैं, बम्पर्स किए हैं, उसके बाद इन्होंने पिलर्स किए हैं और मैटिंग की है, एक डिफ्यूज़र लगाया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और वाजिब रेट पे। तो मेरा आपसे सभी से ये अनुरोध है भी अगर किसी ने गाड़ी को किसी भी गाड़ी को किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन कराना तो कृपया आप इनके पास आए, इनसे बात करें और सही काम लेके। सर मेरे के यूट्यूब जो हमारी पंजाब से आई हुई है काम कार के अंदर शुरू हो चुका है मॉडिफिकेशन का, आपको दिखाएंगे। इसमें हमने डिफ्यूज़र लगाए हुए, डिफ्यूज़र की एक लुकिंग एक कार के अंदर जो हमने दी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया वाली डिफ्यूज़र हमने पियानो ब्लैक के साथ ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। आप देख सकते हैं एक डिफ्यूज़र की लुक ही बहुत प्रीमियम रहने वाली है। हमारी कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी काम चल रहा है हमारा। सबसे पहले मैं आपको डोर डैम्पिंग करते हुए भैया को दिखाऊंगा, एक डैम्पिंग का काम चल रहा है हमारा और इसके सारे डोर ओपन हो चुके हैं, कार पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है इसकी। और रूफ रैप करेंगे, पिलर्स भी लगाएंगे, सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा कार के अंदर जो हम काम करेंगे। पर काम कैसा रहा जो हमने काम करेंगे सारी चीज़ आपको वीडियो के थ्रू मैं दिखाऊंगा और अपने कस्टमर से भी आपकी बात करेंगे जो काम हमारा कैसा लगा उनको। और भी हमने रैप कर दिया इसका, आप देख सकते हैं जो फिनिशिंग एक अच्छी आने वाली स्टेयरिंग कवर की। और देखो, और करने के बाद अभी थोड़ा सा काम रह गया है, इतना भैया ने कर दिया है, करने के बाद आपको कम्प्लीटली काम दिखाऊंगा जो काम कैसा रहा हमारा। अंदर भी अच्छे तरीके से भैया भी अंदर भी अच्छे तरीके से डैम्पिंग लगा रहे हैं और कुछ काम हो चुका है आपको दिखाऊंगा। ये हमारे सारे डोर ओपन होके यहाँ पे ये देखो ग्लू वगैरह लगा के और ये रैपिंग का काम चल रहा है हमारा जो डोर रैप होगा। और डोरों में हम ये 3D पैटर्न में यूज़ कर रहे हैं, करने के बाद आपको दिखाते हैं। काम कंप्लीट हो चुका है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसमें हमने डोर लेदर रैप किया, वो आपको दिखाएंगे जो इसकी फिनिशिंग रहने वाली है। ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन हमने लिया, जैसे हमारे सर की कस्टमर की डिमांड थी कि सर ने हमें बोले कि हमें ऐसी चाहिए 3D पैटर्न में, तो हमने इसको 3D पैटर्न का लुक दिया हुआ है। यहाँ भी कंपनी से हार्ड प्लास्टिक आता है तो यहाँ भी हमने इसमें लेदर रैप किया हुआ है कुशनिंग के साथ, जो एक अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने का कंप्लीट। और अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाएंगे, इसमें इसका प्लेट भी हमने लगाई हुई कार के अंदर, आप देख सकते हैं स्टेयरिंग सर के सीट कवर फिर से लगेंगे, सीट कवर हमने स्टेयरिंग कवर लगाया हुआ है आप देख सकते हैं लेदर रैप के साथ, क्योंकि सर अभी टाइम भी नहीं था सर के पास, दोबारा आएंगे तो सीट कवर भी हमने लगाया। खाली स्टेयरिंग कवर एक मैचिंग के लिए हमने इसमें 10 ब्लैक का रैपिंग स्टेयरिंग कवर भी हमने लगा दिया। इसके रूफ भी उसी साइड की भी आपको भी दिखाऊंगा, जो रियर वाले डोर हैं इसकी भी आपको लेदर रैप जो हमने किया हुआ है आप देख सकते हैं। एक फिनिशिंग एक कार के अंदर क्वालिटी वाला काम हमने कम्प्लीट किया हुआ है आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड भी आपको दिखाऊंगा, इसके सारे चारों डोर हमने लेदर रैप किया हुआ है एक अच्छी फिनिशिंग के साथ जो काम हमने किया हुआ है। कार के अंदर जो हमने इसके पिलर्स होते हैं साइड पिलर, ये भी हमने 3D पैटर्न के साथ ही रैप किया हुआ है। रूफ में हमने रेड कलर का फैदर यूज़ किया हुआ है और सन आपको ये भी दिखाएंगे, इसमें हमने भी यहाँ पे भी फैब्रिक ही यूज़ किया हुआ है। और ए बी और सी इसके तीनों पिलर हमने रैप किया हुआ है आप देख सकते हैं। और इसका जो हमने सनरूफ का भी अच्छा काम किया हुआ है, सनरूफ आप देख सकते हैं इसमें भी है, यहाँ पर प्रॉपर हमने फैदर यूज़ किया हुआ है अच्छी फिनिशिंग के साथ, जो कार के अंदर हमने एक फिनिशिंग मोड दिया हुआ है, एक अच्छा काम किया हुआ है। सर काफ़ी खुश है हमारे काम से और हमने जो कंप्लीट किया हुआ है आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग और एक सारी चीज़ जो हमने कार के अंदर कंप्लीट करी हुई है। और आपको यहां से भी दिखाऊंगा जो हमने इसके सनरूफ वाला पोर्शन भी हमने इसमें फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और इसको प्रॉपर अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने रैप किया हुआ है। यहाँ से भी आपको दिखाएंगे जो हमने इसका सनरूफ वाला ऑप्शन होता है, प्रॉपर सनरूफ वर्क भी करेगा आप देख सकते हैं, प्रॉपर स्लाइड होता है ये। और यहाँ से प्रॉपर जो हमने इसको रेदर रैप की फिनिशिंग आपको दिखाएंगे जो कार के अंदर हमने कंप्लीट किया हुआ आप देख सकते हैं, एक क्रॉस डिज़ाइन के साथ जो हमने लिया हुआ है एक फैब्रिक जो कार के अंदर हमने लगाया हुआ है। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो करो, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई गाड़ी के साथ, नए काम के साथ।